सर, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कोई भी पुराना म्यूजिक सिस्टम जिसमें के वायर लगा के आपको मोबाइल से बजाना पड़ता है, से वॉक्स इनपुट ही काम करता है। जैसे सोनी का बहुत सेट ऐसे है जो सीडी वगैरह का बंद हो गया है तो वायर से ही बजाना पड़ता है मोबाइल से। तो आज हम बताएंगे उसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ आप कैसे सेट करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकूं। तो आज देखते हैं कैसे सेट करते हैं ब्लूटूथ, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सकते हैं ये मॉडल है सोनी का, MSC V40। ये 2000 वाट का सिस्टम है। तो इसमें अभी हम इनबिल्ट ब्लूटूथ का कनेक्शन करेंगे। तो पहले तो हम इसको खोल लेंगे। तो इसको हम खोल लेंगे पहले। तो हम सप्लाई देंगे यहाँ से, अब देख सकते हैं ये 5 वोल्ट का आउटपुट है यहाँ पे। तो ब्लूटूथ सर्किट में 5 वोल्ट लगता है, वो हम यहाँ से देंगे। और ऑडियो का जो कनेक्शन है वो हम सीडी पार्ट इसका जो ख़राब है तो उसी में दे देंगे, उसे सीडी के कनेक्शन में हम दे देंगे ऑडियो का। तो ये सीडी मोड में ब्लूटूथ का काम करेगा। तो देखते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। ये आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ का सर्किट है। तो ये आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये आपको पांचों कनेक्शन है, तो पांच देने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एल आउट, आर आउट और VCC ग्राउंड, ये चारों कनेक्शन करने से आपका हो जाता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको कनेक्शन, बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अभी हम इसका कनेक्शन निकालेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने चारों कनेक्शन किए हैं, सिर्फ सप्लाई का और एल आर आउट का जो सिग्नल का है, ऑडियो सिग्नल का, वही हम कनेक्शन किए हैं। तो इसको अभी हम इसमें सेट करेंगे। तो पहले तो हम इसका सप्लाई कनेक्शन सेट कर लेंगे जो कि 5 वोल्ट रहता है। तो दिखा देते हैं कहाँ से आप करेंगे।
आप देख सकते हैं ये पाइप होल्ड का कनेक्शन यहाँ से आउट होता है, तो हम यहाँ से उठा लिए हैं पाइप होल्ड और ब्लूटूथ सर्किट में डाल दिए हैं। अभी ऑडियो का कनेक्शन करेंगे। ये सीडी तो काम नहीं करता है, तो सीडी के पॉइंट में ही हम इसका ऑडियो का कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम इसका जोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये हम कनेक्शन कर लिए हैं। आप ये ब्लूटूथ सर्किट कोई भी पुराना म्यूजिक सिस्टम में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम कनेक्शन किए हैं, ये सीडी का ऑडियो इन था तो यहाँ से हम कनेक्शन कर दिए हैं, और इस सर्किट को यहाँ पे सेट कर दिए हैं लोडर में। और देख सकते हैं ये सप्लाई का कनेक्शन भी हम कर लिए हैं। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे, बॉक्स के अंदर हम लगा लिए हैं, तो देखते हैं। अभी हम इसको ऑन करेंगे, फिर चेक करेंगे ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हम ऑन कर लिए हैं तो ताकि सीडी मोड में ही है, तो अब देख सकते हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, ये भी बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं डिवाइस कनेक्ट करके कैसे चलता है। तो ब्लूटूथ को पहले हम ऑन कर लेंगे, ये देख सकते हैं कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, ये डिवाइस है। तो अभी हम इसको प्ले करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका बिना वायर के ही चलेगा। इनबिल्ट ब्लूटूथ के छोटा सर्किट है ये, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में मिल जाएगा, सिर्फ 5 वोल्ट से ही चलता है। आप सर्किट से उठा से ही देख उठा के दे सकते हैं। तो आपका कोई भी पुराना म्यूजिक सिस्टम रहेगा तो उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, thank you.
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे डालता रहूँ। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए।